धार जिले के मनावर नगर में बना शाहीन बाग में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग हर समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आज इंदौर में धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए करिश्मा खान ने कहा कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और कहा कि हमसे सरकार पुराने कागजात मांग रही है तो हम कहां से लाकर देंगे। बहुत से गरीब लोग हैं, उनके पास रहने को मकान नहीं है, और फिर सरकार ने जो हमारे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और जो भी कागज हमारे पास है उसके बावजूद भी सरकार पुराने कागज मांग रही है तो हम नहीं दे पाएंगे। रशीद मंसूरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क हमेशा अमन शांति का रहा है और रहेगा। हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश में ही रहेंगे। और इंदौर से आए रमीश खत्री और करामत भाई ने भी अपने विचार व्यक्त किए, और मुस्लिम समाज के सदर इरफान अली नेशनल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। धरना प्रदर्शन में सभी वर्ग के भाई बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज 35वां दिन जारी है। टीम भारती न्यूज। उन्होंने, कमलनाथ जी ने सिर्फ मौखिक तौर पर कहा है कि हम मध्य प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं करेंगे, लेकिन अंदरूनी ही वो इस चीज़ के लिए प्रोसीजर पूरी तय कर चुके हैं। क्या कमलनाथ सरकार लिखित में हमें प्रस्ताव दे सकती है कि वो एनपीआर पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं करेगी? तो हम हमारे धरने से उठ सकते हैं, उठ जाएंगे। सिर्फ बोल रहे हैं, वो लिखित में क्यों नहीं दे रहे? आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ये जो एक्ट आया है या तो उसमें मुस्लिम समुदाय भी जोड़े या ये एक्ट ही खारिज कर दें। दूसरी चीज़, एनपीआर ना हो, और अगर हो तो 2010 के अनुसार हो, और अगर एनआरसी हो रही है तो एनआरसी पूरे देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत के ही लोग हैं, यहीं जन्मे हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पर काम किया, यहीं पढ़े हैं और यहीं मर जाएंगे। हमें एनआरसी की ज़रूरत नहीं है।